नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि 15 तारीख से पूरे देश में नवरात्र की शुरुआत हो गई है, यानी कि छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इसी दौरान शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिस पर हंगामा मच गया। आपको मालूम है कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए साफ साफ कह दिया है कि छुट्टियों के दौरान सरकारी स्कूल के शिक्षक को एक आवासीय ट्रेनिंग करनी होगी, जिसके बाद आपने देखा कि इस आदेश के बाद शिक्षक संघों का गुस्सा फूटा। साफ साफ कह दिया, 48 घंटे का समय भी दे दिया है कि अगर 48 घंटे के अंदर आदेश वापस नहीं लिया गया तो उसके बाद फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। आपको मालूम है कि इस पर सियासत भी खूब शुरू हो गई। बीजेपी के कई दिग्गज नेता राज्यपाल से मुलाकात करने भी पहुंचे थे और उनको ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन अब इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षक ट्रेनिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो खबर, आइए तफसील के साथ आपको बताते हैं। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सभी तरह की प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया है। सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं, यानी कि 16 से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों को जो प्रशिक्षण करना था उस प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। 17 अक्टूबर से सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद ने इस चिट्ठी को जारी कर दिया है। वो चिट्ठी भी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी स्तर के प्रशिक्षण जो दिनांक 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित है, निर्देश अनुसार दिनांक 17 अक्टूबर 2023 से अपहृत कारणों से स्थगित किया जाता है उक्त चरण के सभी। देखिए, साफ साफ ये भी कहा गया है कि इसको पूर्ण करने हेतु बाद में आदेश निर्गत किया जाएगा। सभी प्राचार्य इसकी सूचना अपने अपने स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। यानी कि आपने देखा कि जिस मुद्दे को लेकर हंगामा मचा हुआ था, जिस मुद्दे पर खूब सियासत हो रही थी, यानी कि कहा गया था कि छुट्टियों के दौरान, दुर्गा पूजा की छुट्टियों के दौरान शिक्षकों को एक आवासीय ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन अभी अभी बड़ा आदेश जारी हुआ है और तत्काल प्रभाव से उस प्रशिक्षण को, उस ट्रेनिंग को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, आपको मालूम है कि 16 से 21 अक्टूबर तक ये ट्रेनिंग चलने वाली थी। आपने देखा था कि बीते दिन भी शिक्षक ट्रेनिंग के लिए आए थे, लेकिन उपवास रखकर आए थे। साफ साफ कह दिया था कि अगर 48 घंटे के अंदर आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी हुई आ रही है कि तत्काल प्रभाव से उसको स्थगित कर दिया गया है। यानी कि जिस मुद्दे पर इतना बवाल मचा हुआ था, अब उस मुद्दे पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।